नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज चैटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, भारत में कोरोना वैक्सीन देना स्टार्ट हो चुका है। अभी पहला फेज चल रहा है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, और इसके बाद दूसरी फेज में 50 साल से अधिक उम्र वाले इंसानों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री मोदी भी टीका लगवाएंगे। दूसरे फेज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में पहला फेज का वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ है और इसमें 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए गए हैं। इसके लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद दूसरे फेज में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल की कमर उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरा फेज कब शुरू होगा अभी ये इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आपको किसी तरह के प्रोपेगेंडा या दुष्प्रचार से बचकर रहना है। हमारे वैज्ञानिकों की दुनिया में बहुत विश्वसनीयता है और हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड में शामिल किया है, और आपको बहुत गर्व होगा कि दुनिया में जितने बच्चों को जीवन रखकर टीका दिया जाता है उनमें से 60% भारत में ही बनते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 7,86,842 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के बारे में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि हमारी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है। जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो कॉमन है और किसी भी वैक्सीनेशन के बाद देखा जा सकता है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग राजनीतिक वजह से वैक्सीनेशन के बारे में गलत जानकारियां फैला रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग वैक्सीन लगवाने में झिझक रहे हैं। तो आपका क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।